Hello dear friends, welcome to my channel Cooking and Smart Tips. Friends, जनरली जो लोग अकेले रहते हैं, आई मीन जो बैचलर हैं या जिनकी वाइफ कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हैं, वो लोग अक्सर ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको कोई क्विक रेसिपी नहीं मालूम होता है या उनके पास टाइम कम होता है। तो आज मैं बताऊंगी क्विक रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप अपना सुबह का ब्रेकफास्ट ज़रूर करें क्योंकि ब्रेकफास्ट स्किप करना अच्छा नहीं होता है। देखिए फ्रेंड, ये है MTR का केसर हलवा। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, मैं आज आपको बनाकर बताऊंगी। अब इस हलवे को डालना है एक बाउल में। ये हलवे का मिक्सर है, ये डाल दिया। अब 50 ml वाटर को गर्म करना है, तो मैं इसको रखती हूँ गर्म होने के लिए। देखिए फ्रेंड, पानी गर्म हो चुका है। अब मैं गैस को कर दूंगी ऑफ। अब पानी को डालूंगी बॉल में। पानी को मिक्सर के साथ अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, अच्छे से ये मिल चुका है। अब इसको मैं एक प्लेट से ढक दूंगी और 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ूंगी। देखिए फ्रेंड, 3 मिनट में मेरा केसर हलवा भी बनके हो गया रेडी। काजू बादाम से मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है। इसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यह है MTR का वेजिटेबल उपमा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। मैं इसे आपको बनाकर बताती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पैकेट को कट करके मिक्सर को डालना है एक बॉल में। ये देखिए, इसमें से मिक्सर ऐसा निकलता है। अब 100 ml पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। देखिए फ्रेंड, पानी गर्म हो चुका है। अब मैं गैस को करूँगी ऑफ। अब पानी को डालूँगी बाउल में। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। अब इसको एक प्लेट से ढक करके 3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। इस तरीके से मैंने इसको ढक दिया और 3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। देखिए फ्रेंड, 3 मिनट में मेरा वेजिटेबल उपमा भी बनके हो गया रेडी। ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे ब्रेकफास्ट में ट्राई करें। फ्रेंड्स, मैं छोटी छोटी क्विक रेसिपी लाई हूँ। अब मैं बनाऊँगी सफोला का मसाला ओट्स, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ओट्स को डालेंगे एक पैन में। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। इसमें मैंने लगभग 1.5 कप पानी डाला है। अब इसको अच्छे से मिला देना है और ढक करके 3 मिनट तक कुक करना है। इसको ढक करके मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट तक कुक करना है। देखिए फ्रेंड, 3 मिनट हो गए, मैंने गैस को ऑफ कर दिया। ये देखिए, मेरा मसाला ओट्स बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनता है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। अब मैं इसकी कर लेती हूँ प्लेटिंग। देखिए फ्रेंड, ये फटाफट 3 मिनट में मसाला ओट्स बनके हो गया रेडी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं बनाऊँगी वेज सैंडविच, जिसको मैं बहुत ही ईजी वे में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ब्रेड पर लगाइए बटर। चारों ब्रेड की स्लाइस पे बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है।
चारों ब्रेड की स्लाइस पे बटर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसे टर्न कर लेंगे। अब इस दो पे लगाएंगे सेजवान चटनी और दो पे लगाएंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप को दो पे मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। दो पे मैंने टोमेटो केचप लगाया और दो पे लगाऊंगी सेजवान चटनी। इसको लगाने से वेज सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनता है। सेजवान चटनी को भी मैंने अच्छे से लगा लिया। अब इसमें लगाएंगे कटा हुआ टमाटर, कटी हुई प्याज, ये पतली पतली स्लाइसेस मैंने काट ली हैं। अब इस पे स्प्रिंकल करेंगे सॉल्ट। अब ये ब्रेड स्लाइस पे डाल करके थोड़ा सा प्रेस कर देना है। अब इसको मैं सैंडविच मेकर में बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, यह है सैंडविच मेकर। इसको मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ा है। जब हीट हो जाएगा तो इसका ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, तो इसको मैं वेट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये प्री हीट हो चुका है। अब इसमें मैं सैंडविच को रखूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हॉट होता है, तो आप सैंडविच में बहुत ही केयरफुली रखिए ताकि हैंड ना जले। देखिए फ्रेंड्स, अभी एक लाइट जल रही है। जब सैंडविच बन जाएगा तो दोनों लाइट जलने लगेगी, तब हम स्विच ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, दोनों लाइट ऑन हो गई है, मतलब कि सैंडविच तैयार हो गया है। इसमें सैंडविच बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं सैंडविच को निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा सैंडविच तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड, 3 मिनट में मेरा वेज सैंडविच बनके हो गया तैयार। आप भी इसे ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है।